भाग पांच। संघ अध्याय एक। कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। 52। भारत का राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53। संघ की कार्यपालिका शक्ति। 1। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। 2। पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। 3। इस अनुच्छेद की कोई बात का किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी या ख राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक के सदस्य करेंगे जिसमें का संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और ख राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। स्पष्टीकरण। इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पौंडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र हैं। 55। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 1। जहां तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी। 2। राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से निर्धारित की जाएगी अर्थात क किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने की 1000 के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। 1. संविधान 70वां संशोधन अधिनियम 1992 की धारा 2 द्वारा 16-1995 से अंतःस्थापित पौंडिचेरी नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 का 44 की धारा 3 द्वारा 1 अक्टूबर 2006 से अब ये पुडुचेरी है। अब यदि 1000 के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं है तो उपखंड क में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा। ग संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड क और उपखंड ख के अधीन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी। 3. राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। स्पष्टीकरण। इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है। 56। राष्ट्रपति की पदावधि। 1. राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।
ने पद ग्रहण की तारीख से पांच के लेकिन क राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ख संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। ग राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। दो खंड वन के परंतु के खंड क के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। एक संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 12 द्वारा 3(1)(1977) से स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित। दो संविधान 84वां संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 2 द्वारा 21 फरवरी 2002 से 2000 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं 1 कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह क भारत का नागरिक है, ख 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और ग लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। 2 कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है एक अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें 1 राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। 2 राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 3 राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों भत्तों और विशेषाधिकारों का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा। 4 राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा अर्थात 1 संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 1(1)(1)(1)(9)(5)(6) से या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख शब्दों का लोप किया गया। ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं अमुक की मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ
राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। 61. राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 1. जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। 2. ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि क. ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है, जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है, और ख. उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है। 3. जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है, तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। 4. यदि अन्वेषण के परिणामस्वरूप ये घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। 62. राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 1. राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। 2. राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। 63. भारत का उपराष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64. उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। 65. राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। 1. राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। 2. जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। 3. उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होंगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद
विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा। 66. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 1. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली निर्वाचक के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। 2. उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। 3. कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह का भारत का नागरिक है, ख 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, और 1. संविधान 11वां संशोधन अधिनियम 1961 की धारा 2 द्वारा 19 दिसंबर 1961 से संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के स्थान पर प्रतिस्थापित, ग राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। 4. कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है, 1. अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है। 67. उपराष्ट्रपति की पदावधि, उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, लेकिन क उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ख उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई। ग उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। 68. उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि 1. उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। 2. उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। 69. उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष 1. संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 1.1.1.1956 से या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख शब्दों का लोप किया गया।
निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, मैं अमुक की मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। 70. अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन संसद, ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। 71. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। 1. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। 2. यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे। 3. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। 4. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। 72. क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 1. राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की। का उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया। 1. संविधान 39वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 2 द्वारा 10 अगस्त 1975 से प्रतिस्थापित और तत्पश्चात संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 10 द्वारा 20 जून 1979 से प्रतिस्थापित। ख उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। ग उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है शक्ति होगी। 2. खंड 1 के उपखंड क की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। 3. खंड 1 के उपखंड ग की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयुक्त मृत्यु दंडादेश के निलंबन परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। 73. संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 1. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक और ख किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयुक्तव्य अधिकारों प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक होगा। परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय उपखंड क में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी दो राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है।
दो, जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता था। एक, संविधान, सातवां संशोधन, अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 1-1-1-1956 से या राज प्रमुख शब्दों का लोप किया गया। दो, संविधान, सातवां संशोधन, अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 1 नवंबर 1956 से पहली अनुसूची के भाग क और भाग ख में उल्लिखित शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। मंत्री परिषद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद 1, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। दो, परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। दो, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। 75, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 3, 1 का मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 1 ख, किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व ससंद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निरर्हित होगा। 2, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। 3, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 4, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। प्रतिस्थापित 1, संविधान, 42वां संशोधन, अधिनियम 1976 की धारा 13 द्वारा 3 जनवरी 1977 से खंड 1 के स्थान पर। 2, संविधान, 44वां संशोधन, अधिनियम 1978 की धारा 11 द्वारा 20 जून 1979 से अंतःस्थापित। 3, संविधान, 91वां संशोधन, अधिनियम 2003 की धारा 2 द्वारा 1-1-2004 से अंतःस्थापित। 5, कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। 6, मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करे और जब तक संसद इस प्रकार निर्धारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। भारत का महान्यायवादी 76, भारत का महान्यायवादी 1, राष्ट्रपति
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। दो, महान्यायवादी का ये कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। तीन, महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। चार, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। सरकारी कार्य का संचालन। 77, भारत सरकार के कार्य का संचालन। 1, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। 2, राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। 3, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आबंटन के लिए नियम बनाएगा। 2.4.1 देखिए समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सम का आ 2297 तारीख 3 नवंबर 1958 भारत का राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 3 ई पृष्ठ 1315। 2, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 14 द्वारा 3 जनवरी 1977 से खंड 4 अंतः स्थापित किया गया था और संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 12 द्वारा 20 जून 1979 से उसका लोप किया गया। 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वह का संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। ख, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। और ग, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। अध्याय 2, संसद साधारण 79। संसद का गठन। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। 80, राज्यसभा की संरचना। 1, 1, 2 राज्यसभा का राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों और ख, राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। 2, राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आबंटन 4 अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। 3, राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 के उपखंड का के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। 1, संविधान 35वां संशोधन अधिनियम
1974 की धारा 3 द्वारा 1 मार्च 1975 से राज्यसभा के स्थान पर प्रतिस्थापित। 2. संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26 अप्रैल 1975 से 10वीं अनुसूची के पैरा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए शब्दों का लोप किया गया। 3. संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 3 द्वारा 1 नवंबर 1956 से जोड़ा गया। 4. राज्यसभा में प्रत्येक एक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। 5. राज्यसभा में 21 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे। 81. लोकसभा की संरचना 1. अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए 5. लोकसभा क. राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अनधिक सदस्यों और ख. संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 7-20 से अनधिक 7 सदस्यों से मिलकर बनेगी। 2. खंड 1 के उपखंड क के प्रयोजनों के लिए क. प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो और ख. प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। इस खंड के उपखंड क के उपबंध किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं हो जाती है। 1. संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 3 द्वारा 1.1.1.1956 से पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। 2. संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 3 द्वारा 1.1.1.1956 से पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट राज्यों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 3. संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 4 द्वारा 1 नवंबर 1956 से अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 82 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 4. संविधान 35वां संशोधन अधिनियम 1974 की धारा 4 द्वारा 1 मार्च 1975 से अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए के स्थान पर प्रतिस्थापित। 5. संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26 अप्रैल 1975 से और 10वीं अनुसूची के पैरा 4 शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। 6. गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 का 18 की धारा 63 द्वारा 30 मई 1987 से 525 सदस्यों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 7. संविधान 31वां संशोधन अधिनियम 1973 की धारा 2 द्वारा 17 अक्टूबर 1973 से 25 सदस्यों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 8. संविधान 31वां संशोधन अधिनियम 1973 की धारा 2 द्वारा
17 अक्टूबर 1973 से अंतःस्थापित। 3. इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह आई खंड 2 के उपखंड क और उस खंड के परिंतुक के प्रयोजनों के लिए 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है और ई खंड 2 के उपखंड ख के प्रयोजनों के लिए 4/2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है। 82. प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। प्रत्येक जनगणना की मप पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, परंतु ऐसे पुनः समायोजन से लोकसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता है, परंतु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोकसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैं। परंतु यह और भी कि जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक 7 इस अनुच्छेद के अधीन 1 संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 15 द्वारा 3(1)(1977) से जोड़ा गया। 2 संविधान 84वां संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 3 द्वारा 21 फरवरी 2002 से 2000 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 3 संविधान 84वां संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 3 द्वारा 21 फरवरी 2002 से कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 4 संविधान 87वां संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 2 द्वारा 22 जून 2003 से 1991 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 5 संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 16 द्वारा 3 जनवरी 1977 से अंतःस्थापित। 6 संविधान 84वां संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 4 द्वारा 21 फरवरी 2002 से 2000 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 7 संविधान 84वां संशोधन अधिनियम 2001 की धारा 4 द्वारा 21 फरवरी 2002 से कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। आई राज्यों को लोकसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आवंटन का और ई प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएं, पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा। 83 संसद के सदनों की अवधि 1 राज्यसभा का विघटन नहीं होगा किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक तिहाई सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। 2 लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 2
5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, और 2-5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। परंतु उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। 84. संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब 3 का वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। ख वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का है और ग उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएं। 1. संविधान 87वां संशोधन अधिनियम 2003 की धारा 3 द्वारा 22 जून 2003 से 1991 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 2. संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 17 द्वारा 3-1-1977 से के स्थान पर प्रतिस्थापित और संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 13 द्वारा 20 जून 1979 से 6 वर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित। 3. संविधान 16वां संशोधन अधिनियम 1963 की धारा 3 द्वारा 5-10-1963 से खंड क के स्थान पर प्रतिस्थापित। 85. संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन 1. राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। 2. राष्ट्रपति समय समय पर क सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। ख लोकसभा का विघटन कर सकेगा। 86. सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 1. राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। 2. राष्ट्रपति संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश संसद के किसी सदन को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। 87. राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 1. राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। 2. प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए 3 उपबंध किया जाएगा। 88. सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले,
किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। एक, संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 6 द्वारा 18 जून 1951 से अनुच्छेद 85 के स्थान पर प्रतिस्थापित। दो, संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 7 द्वारा 18 जून 1951 से प्रत्येक सत्र के स्थान पर प्रतिस्थापित। तीन, संविधान पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 7 द्वारा 18 जून 1951 से और सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को अग्रता देने के लिए शब्दों का लोप किया गया।